देख सकते हैं ये मशरूम है। और इधर ढिंका पूरा लगा है ये लाइन में। और लास्ट में एक और झाड़ है तो उसका नाम नहीं मालूम। ये भी बीज गिराए हैं हम लोग। तो बड़े डॉक्टर में बहुत करना है जो उधर में दिखाया था वही चीज़ है। इधर भी मशरूम है, इधर भी ये भिंके का बीज गिरा है और कुछ आया है कुछ नहीं आया है, क्या मालूम क्या दिक्कत आ गई है, अभी इसको रिसर्च करेंगे। और ये गुलाब है विदेश वाला, इसका भी पूरा घास निकालना है, कटिंग करना है। कभी दो तीन दाढ़ी इसमें आता है, कभी और अच्छा खिलता है, देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसका जो फर निकलता है ना अभी नहीं है, ये चीज़ है देखो। ऐसा हाथ में मिस के ऐसा सूंघने में बहुत अच्छा खुशबू आता है। पीपल का पत्ता जैसा है, मालूम नहीं कौन सा झाड़ है लेकिन वो नहीं है। और ये देखो नाइट वाली डार्लिंग, ये नाइट में चमकता है। अभी और बड़ा होगा तो इसको कटिंग करेंगे, आर्डर पे है ये। बिस्किट बनाना है इसका, देख सकते हैं ये अपना चाइना वाला, देख सकते हैं ये पानी गिर रहा है। वो फैन चलता है वो खींचता है तो इधर से ठंडा कूलिंग करता है, तो इसके अंदर टेम्परेचर अच्छा रहता है। अभी धूप ज़्यादा हो रही है ना, एक चूना भी मारे हैं देख सकते हैं, अभी बाहर से आप लोग को दिखाता हूँ। ये भी बिंका लगा है इधर साइड में, उधर साइड का खाली कर दिए अभी लगाएंगे। ये वाला भी थोड़ा तैयार होने दीजिए फिर आपको अच्छे से दिखाते हैं। चार पाँच दिनों में, दस दिनों के बाद इंशाल्लाह पूरा फूल इसमें खिल जाएगा, फिर आपको दिखाते हैं अच्छे से।